व्हाट इफ हम एक लाइट से प्यारे से गाने को ह्यूज और डायनामिक सा बना दे। ये है अलग आसमान बाय अनूव जैन, जिसको आज हम ओवर प्रोड्यूस करेंगे। पर सबसे पहले द आइडिया, देखो इस गाने से जो ओरिजिनली फीलिंग आती है ना, वो प्यार वाली, थोड़ी इमोशनल सी और कहीं कहीं कम्फर्टिंग भी, वो मुझे रखनी है। डायनामिक और ह्यूज फील कराना है, बट एकदम हार्ड हिटिंग से ड्रम्स और इलेक्ट्रिक गिटार्स भर के नहीं। इसीलिए प्रोडक्शन स्टाइल भी मुझे थोड़ा ऑर्गेनिक रखना है, जिससे वो ओरिजिनल वाली फील थोड़ी और मेंटेन रह पाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉर्ड्स फिगर आउट कर ली और उसके बाद मैंने रफली वोकल्स गा लिए, क्योंकि अगर कॉम्पोजिशन रेडी होती है तो वोकल्स पे म्यूजिक बनाना मुझे ज्यादा आसान लगता है। उसके बाद मैंने सोचा कि ओरिजिनल में पकसिव एलिमेंट्स हैं बट बड़े लाइट्स हैं, तो मे बी यहाँ पे हम स्टार्टिंग से ही थोड़ी प्रोमिनेंट सी पकशन ला सकते हैं। तो एडिक्टिव ड्रम्स 2 में मेरे को ये स्टॉम्पिंग का साउंड मिला, जो आई थॉट कि थोड़ा डिफरेंट है, बहुत कॉमनली इतना यूज नहीं होता है और ऑर्गेनिक साइड पे ही है, तो इसको ट्राई करते हैं। न जाने अब मिलेंगे हम कभी, तो रुक जाओ एक पल यहाँ पे। अब उस टाइम स्टार्टिंग में तो मुझे ये साउंड सही लग रहा था, बट बाद में हम इसको चेंज कर देंगे, जिसका रीजन इस कि इसमें हाई एंड इतना अच्छा नहीं है। उल्टा मैंने यहाँ पे हाई एंड को थोड़ा डिपी करा हुआ है वोकल्स के लिए, स्पेस क्रिएट करने के लिए, जिसकी वजह से अभी साउंड एकदम ही मिड फोकस्ड है। वोकल्स भी ऑब्वियसली लो मिड और मिड फोकस रहते हैं और पियानो भी उसी रेंज में है, तो थोड़ा क्लटर क्रिएट हो रहा था। अब उस टाइम मेरे को ये एकदम से दिक्कत इसीलिए नहीं लगी क्योंकि मेरे मन में था कि यार स्टॉम्पिंग का साउंड है, बहुत कॉमनली यूज नहीं है, तो रखते हैं, अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा कि फ्रीक्वेंसी बैलेंस बेटर करने के लिए एक हाई एंड पर्कशन ले लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक शेकर का लूप ढूंढा, उसको थोड़ा सा स्लो किया। अब बाय डिफॉल्ट वो साउंड इस गाने के लिए इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने जल्दी से ईक्यू लिया और उसको थोड़ा एडजस्ट करा। उसके बाद ओवरऑल थोड़ी टाइटनेस के लिए और रिदम को चेंज करने के लिए मैंने एक शेपर बॉक्स प्लगइन डाला। का ये फासला है, अलग आसमां भी है, तो क्या। अब अनूप का गाना है, ऑर्गेनिक रखना है, तो गिटार तो चाहिए ही। पर मैं बहुत टाइम से सिर्फ VST इंस्ट्रूमेंट से गिटार ले रहा था, इसकी वजह से एक्चुअली मेरा गिटार बजाना छूटा था। अब मैं कभी कोई बहुत अच्छा गिटार प्लेयर तो नहीं था, बट रिकॉर्डिंग के लिए सही हो जाता था टेक्स में ले लेके। अब VST इंस्ट्रूमेंट वाला अप्रोच फॉलो करके मैं थोड़ा बोर भी हो गया था, उसके साउंड्स अच्छे होते हैं, बट अभी मेरे को जोश चढ़ा था कि भाई रिकॉर्ड करेंगे। तो काफी महीनों बाद मैंने अपना गिटार उठाया, जिसकी एक स्ट्रिंग टूटी हुई थी, ऑलरेडी जो स्ट्रिंग्स थी वो बड़ी अजीब सी रस्टी सी हो गई थी। अब जल्दबाजी या फिर ऑनेस्टली आलस के चक्कर में मैंने स्टीरियो माइकिंग नहीं करी, डबल टेक्स भी मैंने नहीं लिए। बेसिकली मैंने एक इनपुट तो माइक से लिया, बट दूसरा मैंने DI मतलब डायरेक्ट इनपुट से ले लिया, और अकूस्टिक गिटार पे डायरेक्ट इनपुट बहुत ही गंदा साउंड करता है। ऊपर से इतने महीनों बाद प्ले कर रहा था तो प्लेइंग भी बहुत क्लीन नहीं थी। तो इन दी एंड ओवरऑल मेहनत करने के बाद भी कुछ उससे रिजल्ट नहीं निकला और मैं सेशन गिटारिस्ट के पास चला गया। कोई दिक्कत नहीं है, कमबैक होगा। खैर, सेशन गिटारिस्ट पे मैंने एक अच्छा सा पैटर्न ढूंढा जो इस कॉम्पोजिशन के साथ सही लगे और अपनी कॉर्ड्स पे रिकॉर्ड कर लिया। एंड फाइनली ये गिटार ऐड होने के बाद मुझ में अकल आ गई कि ये स्टॉम्पिंग वाली चीज नहीं वर्क करेगी, बड़ा क्लटर्ड लग रहा है, तो उसको मैंने एक रिम के साउंड से और एक राइड के साउंड से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ट्रैक्स को थोड़ा रंग वंग देके ऑर्गेनाइज करके मैंने गिटार की एक हायर वॉइसिंग भी ले ली, जिससे गिटार और प्रोमिनेंट हो जाए मिक्स में और एनर्जी ऐड हो जाए उसमें। इसके बाद आई थिंक मैं स्ट्रिंग्स पे थोड़ा काम करूंगा, अलग अलग सेक्शंस को थोड़ा बिल्ड करेंगे। अब भाई ने बोला तो करने का, मैंने स्टार्ट किया चेलो से और थोड़ी देर वोकल के साथ जाम करके मैंने एक सिंपल सी चीज फिगर आउट कर ली जो वोकल के पीछे प्ले होके अच्छी लग रही थी। अगर तुम्हें ये फिगर आउट करने में दिक्कत होती है कि वोकल्स के पीछे ऐसी क्या मेलोडी प्ले करें जो सुनने में अच्छी भी लगे, तो एक टिप तो ये है कि अपनी कॉर्ड्स के जो नोट्स हैं उनको फॉलो करो, और दूसरी टिप ये है कि स्टार्ट विद फॉलोइंग द वोकल मेलोडी काइंड ऑफ। मतलब तुम्हें वोकल की मेलेडी को एकदम कॉपी पेस्ट नहीं करना है, स्टार्टिंग के एक दो नोट सेम ले सकते हो, बट उसके बाद रैंडम कुछ वेरिएशंस ट्राई करो। थोड़ी देर अगर जाम करोगे वोकल के साथ तो प्रोबेबली कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। इतनी सारी लेयरिंग कैसे हो गई? चेलो के बाद सबसे पहले मैंने एक वायलिन डाला, ऑब्वियसली हायर ऑक्टेव पे, फिर उसकी अगली लाइन में उसी चीज की मैंने एक हारमोनी डाल दी, फिर मैंने चेलो का लोअर ऑक्टेव ऐड करा
और उसी के साथ मैंने बेसिस भी ले ली है ऑब्वियसली और लोअर ऑक्टेव पे। अब एक साथ इतना लो एंड हार्ड होने की वजह से गाना सडनली काफी डायनामिक और ड्रामेटिक सा लगने लगा। अब उसके बाद आया गाने का सबसे हेवीएस्ट पार्ट, जहाँ पे सबसे पहले मैंने थोड़े टॉप वायलिन्स ऐड करे। बेसिकली एकदम हायर ऑक्टेव पे मैंने अपने स्केल के फर्स्ट और फिफ्थ नोट्स को होल्ड करके रखा, जिससे एक शिमर और थोड़ी एनर्जी ऐड हो गई। अब यहाँ पे मैंने अपने स्केल के फर्स्ट और फिफ्थ नोट्स को होल्ड करके रखा, जिसका रीजन इस कि इन दोनों नोट्स को तुम अपनी पूरी कॉम्पोजिशन में कहीं भी प्ले कर लो, ये जनरली अच्छे ही लगेंगे। बट हर बार ये करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो मेलेडी ऑलरेडी चल रही है तुम उसका हायर ऑक्टेव भी डाल सकते हो, कोई नई मेलेडी भी डाल सकते हो, या इनफैक्ट एक सिंगल नोट भी होल्ड कर सकते हो। उसके बाद मैंने ऐड करे दो वियोलास, जिसमें से एक पे मैंने वायलिन और चेलो के बीच का एक ऑक्टेव डाल दिया और दूसरे पे एक नई हारमोनी डाल दी। उसके बाद मैंने ऐड करा एक स्ट्रिंग एंसेंबल। स्ट्रिंग एंसेंबल मतलब एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जिसमें वायलिन चेलो वियोला सब रहता है, डिपेंडिंग ऑन तुम क्या ऑक्टेव प्ले कर रहे हो। अब इस पे मैंने सिंपली अपने पियानो से उठा के कॉर्ड्स कॉपी कर ली और उन कॉर्ड्स के कॉमन नोट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया फॉर स्मूदर ट्रांजिशन। इससे बेसिकली ओवरऑल और वार्मथ और थिकनेस आ जाती है। फिर आखिर में इस बिल्डअप वाले इफेक्ट को थोड़ा और प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने एक और चेलो पे एक लोअर ऑक्टेव ले लिया और वायलिन पे जो हमने हारमोनी प्ले करी थी उसका मैंने एक लोअर ऑक्टेव ले लिया एक वायलिन पे। बाकी ये जो मैं बना रहा हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है और तुम्हें भी ये सब बनाना है तो मेरे लाइव कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे हम हर एक टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक इनडेप्थ सीखते हैं। हर जो लाइव क्लास होती है उसकी तुम्हें रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, तो कोई भी टॉपिक को जिंदगी में कभी भी रिवाइज कर सकते हो। और अगर डाउट्स आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसिफिक डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स है मेरे स्टूडेंट्स के। और अगर कोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, और अगर एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ही एक व्हाट्सएप नंबर भी है। मिलते हैं। फिर स्ट्रिंग्स पे काम खत्म करके मैंने वापस से रिदम पे काम करना स्टार्ट करा। एक सिंपल सा मैंने किक का पैटर्न लिया और उसके बाद थोड़ी सी वेरिएशन के लिए प्लस हेवीएस्ट पार्ट के पहले एक सटल से बिल्डअप इफेक्ट के लिए मैंने ये स्नेयर की रिदम डाल दी। अब उसके बाद एक सिंपल से ड्रम फिल के बाद आया गाने का हेवीएस्ट पार्ट, पर यहाँ पे ड्रम्स फिर भी हेवी नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि हार्ड हिटिंग ड्रम्स मेरे को नहीं चाहिए, तो ये जो प्यार और थोड़ा इमोशनल वाली फीलिंग होती है ना, वो थोड़ी चली जाती है। तो एक सिंपल सा किक स्नेयर पैटर्न, स्टार्टिंग में एक क्रैश का हिट और जो राइड हमारी पहले से चल रही है उसी को मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया। आसमान में खिड़कियों से देख तू पहाड़ों को यूं छोटे से लगे। अब इस हैवी वाले सेक्शन के बाद अगली लाइन जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है खाली वर्ड से, खाली घर तेरा ये चाबियों की गूंज ऐसे। तो मैंने सोचा म्यूजिक को भी एकदम खाली कर देते हैं और एक प्यारे से इमोशनल से एंड के लिए एक पियानो का सेक्शन डाल देते हैं। और फिर हुआ मेरा कमबैक, हेयर कट भी करा ली, अब तुम्हें वो सड़े से बाल नहीं देखने पड़ेंगे। बेसिकली भाई मेरे को गिटार रिकॉर्ड करना था तो करना था, तो मैं गया अमेजोन पे, नई स्ट्रिंग्स ऑर्डर करी, अगले दिन स्ट्रिंग्स आई, गिटार पे लगाई और मैंने किया गिटार रिकॉर्ड। अभी और सुनिए। सिर्फ अकूस्टिक गिटार नहीं, इलेक्ट्रिक गिटार भी रिकॉर्ड किया, उस पर स्ट्रिंग्स पुरानी थी बट बढ़िया लग रहा है। बट एक थोड़ी दिक्कत हो गई, जोश जोश में मैंने जो रिकॉर्डिंग का बटन होता है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला, उसको दो बार दबा दिया, मैंने नोटिस नहीं किया और कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं, उसके बाद जो भी करा है उसका ब्रेकडाउन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक गिटार से, जिसपे मैंने ये रिकॉर्ड करा। अब ये इतना प्यारा लग रहा है तो मेरे को इसको और प्रोमिनेंट करना था, तो मैंने इसी ट्रैक को डुप्लीकेट करके एक ऑक्टेव हाई कर दिया, लो वाले को थोड़ा सा लेफ्ट पैन कर दिया, हाई वाले को थोड़ा सा राइट पैन कर दिया। उसके बाद उस हेवी वाले सेक्शन में मैंने अकूस्टिक गिटार डाला, जहां पे सबसे पहले ये फिंगर पिकिंग है। उसके साथ ही कुछ फिल स्ट्रम्स हैं। उसके
इसके बाद ही कुछ सिंपल से डाउन स्ट्रोक्स हैं। इसको मेरे को काफी हार्ड हिट कराना था तो मैंने इसमें चार लेयर्स डालियां। फिर गिटार्स रिकॉर्ड करके आखिर में मैंने बैकग्राउंड वोकल्स भी करे थे, तो सबसे पहले मैंने कुछ क्लोज जीटीज रिकॉर्ड कर लिए। बेसिकली इनसे थोड़ी सी विर्थ आर्ट हो जाती है। जो लीड मेलेडी है मैं वही गा रहा हूँ, उसको मैंने दो बार गाया, एक बार लेफ्ट पैन एक बार राइट पैन। बट ये जो हैवी वाला पार्ट आ रहा है वहां पे मैंने थोड़े फार डीटीज भी ले लिए। बेसिकली मैं माइक से दूर चला गया और मैंने सेम चीज गा दी, थोड़ा सा मैंने आवाज चेंज करने की कोशिश की है, काइंड ऑफ कॉयरी साउंड कराने की कोशिश करी है। थोड़ी अजीब इसीलिए भी लग रही थी क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट शिफ्ट करा हुआ है। अगर तुम्हें नहीं पता मैंने ये क्यों करा है तो ये वीडियो देख लेना। उसके बाद आते हैं हारमोनीज पे। तो स्टार्टिंग से ही मैंने हारमोनीज नहीं डाली है क्योंकि एकदम से गाने को एकदम वाइड और थिक नहीं करना है। तो स्टार्टिंग की दो लाइन्स में सिर्फ डबल टेक्स हैं, फिर आती है पहली हारमोनी, सुन के देखते हैं। उसके बाद इसी हारमोनी का मैंने लोअर ऑक्टेव डाल दिया और एक हायर ऑक्टेव भी डाल दिया, जिसको मैंने लेफ्ट राइट पैन नहीं करा है, एक सिंगल टेक लेके ऑटो पैन कर दिया। उसके बाद हेवीएस्ट वाले पार्ट में ये फार वाले डीटीज के साथ एक और हारमोनी आ गई। फिर फाइनली लीड वोकल्स ऐड करके रफली मिक्स करके कुछ ऐसा बना है। मजा आ गया, ये बनाने में ही बहुत मजा आया। बाकी वैसे तो ये रफ मिक्स ही है, पर अगर फिर भी तुम्हें जानना है कि मैंने ये कैसे मिक्स किया है तो बताना, एक लाइव स्ट्रीम करेंगे और फिर उसको मेंबर्स ओनली कर देंगे क्योंकि पैसा भी कमाना है। बाकी थैंक यू सो मच सारे मेंबर्स को जो इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर तुम्हें भी मेंबर बनना है तो बन सकते हो, तुम्हें कुछ लाइव स्ट्रीम्स का एक्सेस मिलेगा जो किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेंबर्स के पास है। और मंथली एक फीडबैक स्ट्रीम भी रखते हैं हम, जहाँ पे हम मेंबर्स के गाने रिव्यू करते हैं। आई एम शाश्वत, और अगर पूरी वीडियो देखने के बाद भी तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिले ही देखो।